नालंदा में 1 लाख रुपए और बाइक के लिए ससुराल वालों ने पहले गर्भवती बहू के साथ मारपीट की और उसकी गला दबाकर बाद में हत्या भी कर दी। वहीं सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में ले जाकर जला दिया, जिसके बाद मायके वालों को फोन किया कि आपकी बेटी की करंट लगने से मौत हो गई है। लड़की के पिता और भाई जब बेटी के ससुराल पहुंचे तो लोगों ने बताया कि उनकी बेटी को खेत में जला रहे हैं। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी की लाश जल रही थी। पिता ने इसका वीडियो बनाया और इसके बाद पुलिस के पास परिवार पहुंचा। मामला सिलाव थाना क्षेत्र के करियाना गांव का है, जहां 22 साल की नेहा की शादी 2019 में करियाना गांव के रहने वाले संतोष चौधरी से हुई थी। परिवार वालों ने बताया कि 2 साल बाद ही ससुराल वाले दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे। 14 जून को उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसमें वह 4 माह की गर्भवती थी। मायके वालों ने दामाद सहित 5 लोगों पर दहेज के लिए हत्या की FIR दर्ज कराई है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार हैं। मंगलवार के दिन पीड़ित पक्ष SP कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाया है। मेरी बहन को पहले नंबर तो बोला कि आपका बहन मर गया, तो हम लोग गए, वहाँ गए तो जाने के टाइम में सब जल रहा था, एक भी नहीं बचा, और सब घर वाला भी भाग चुका, कोई नहीं था। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।